गुड मॉर्निंग एवरीवन वन दिस इफारेन अंसारी सो इन वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉर सो लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंजिस में जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता था फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर सो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे होते थे एक कॉम्प्लेक्स uh, से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स थर्ड फोर्थ जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही थी तो फिर उनके साथ साथ जो है कपल करके जो है एक हाइड्रोजन जो है इनर माइट्रोकॉन्जल मेम्ब्रेन से इंटर माइट्रोकॉन्जल uh, के स्पेस में ए, ये जो है ट्रांसफर हो रही थी हाइड्रोजन जिसकी वजह से जो है हाइड्रोजन जो है प्रोटोन बन रहा था यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है जो है पॉजिटिविटी बढ़ रही थी तो फिर यहां पे आप आज देखते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव क्या होता है सो अगर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मींस एटीपी का बनना फ्रॉम एडीपी यानी कि ए का फॉस्फोरेशन होके ए टी बनना जो कि तब होता है जब हमारा जो एन है या एफ है ये दोनों जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म में एन और एफ बन जाती है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाती है जो फ्र, आ, आ, इन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ये हो रही है विद रेस्पेक्ट टू देट जब यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही थी या ऑक्सीडाइज़ हो रहा था ये एन ए डी एच या एफ तब यहाँ पे इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो फॉस्फोरेशन हो रहा है ए का तो फिर इस चीज को बोला गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फर रिलेशन ठीक दस अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन की बात करें तो फिर यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है विद एज़ स... वेल एज यहाँ पे फॉस्फोरेशन हो रहा है साथ साथ में तो फिर इस त... ए, चीज़ को बोला गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन होता कहाँ तो फिर ये जो है माइट्रोक्रोनजिया में होता है ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन आल यूक्योरेट्स में आपको देखने को मिलता है फर्दर अगर हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे होते थे एक से दूसरे कम्प्लेक्स में इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो फिर उसके द्वारा जो है एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है about that कैसे अगर हम देखेंगे ये जो एनर्जी है जो रिलीज़ हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इनर माइट्रोकॉन्ड्रल मेम्ब्रेन टू इंटर माइट्रोकोंड्रल मेम्बर स्पेस में जो ये रिलीज़ हो रही थी तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रेडियंट बन रहा था जिसकी मदद से जब ये हाइड्रोजन वापस जाने की कोशिश कर रहा था इनर माइट्रोकोंड्रिया में तो माइट्रोकॉन्ड्रल स्पेस में तो फिर यहाँ पर जो है ए जनरेट हो रही है सो so, अगर हम देखेंगे ये कौन से इंजाइम की मदद से होता है तो फिर यह हम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बोल सकते हैं या इस एंज़ाइम को बोलते हैं एफ नॉट एफ वन ए एस भी बोलते हैं जिसके मदद से जो है एटीपी बनता है अगर हम एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो फिर ये दो लेवल में होती है, एक होते है, हो रही है। और इसके साथ साथ एक होती है जिसको बोलते हैं जिसपे जो है इंजाइम जो है जो जब केमिकल इंटरमीडिएट जो बन रही होती है तो फिर उसी से ही जो हमारा एडीपी है या जी है उसका फॉस्फोरिलेशन हो रहा था एटीपी में या जी ठीक यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट चेन का कोई काम नहीं था यहाँ पे डायरेक्ट जो सबस्ट्रेट था उससे जो है फॉस्फेट जो है डायरेक्टली फोस्फे कर रहे थे जो हमारा एडीपी था या जे था फर्दर अगर हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन की बात करें तो ग्लैकुलिस में यहाँ पे आ, फॉस्फो गेट काइने जो इन्जाम है ये इसकी मदद से होता है वन थ्री बाई फॉसफो गेट से जो है एक फॉस्फेट जो है हमारे ए पे पी जाती है और ये जो सबस्ट्रेट से जो ए, 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 ट, ए, आ, है, एनर्जी रिच फॉस्फेट ग्रुप जो ए पे पी जुट रही है तो फिर इस चीज़ को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन क्योंकि यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट से जो फॉस्फेट आया है वो डायरेक्टली हमारे ए के साथ जुट के हमारा एनर्जी एनर्जी मॉलिक्यूल या एनर्जी करेंसी बना रही है जिसको बोलते हैं ए फर्दर यहाँ पे पायरेवेट काइनेस इंजाम जो है जो रिएक्शन करवाती है जो कन्वर्ट करती है फोसमोनल पायरेवेट को पायरेवेट में तो फिर इसमें भी फोसमोन पायरेवेट से जो है फोस्फेट ग्रुप जो है ये ए डी पी के साथ जुड़ जो जोड़ देती है और हमारे पास ए टी पी जनरेट हो जाती है फर्दर अगर हम साइकिल की बात करें तो फिर यहाँ पर जो सक्सनाइल को इंजामे सिंथेटेज है जब सक्सनाइल को से सेट पर कन्वर्ट कर रही होती है तो फिर सक्सनाइट को इंजाम से जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो जी डी पी पे आके जी डी पी पे आके जुट के एक हमारे पास एनर्जी करेंसी जो कि हम जी या सैनो ने मेले हम ए बोलते हैं उसके साथ जो जोड़ जो देते दे। हैं अगर हम मैकेनिज्म की बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन की तो फिर इसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन होता क्या है मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो आ, जो हाइपोथिसिस है अगर हम उनकी बात करें तो फिर इसमें केमिकल कॉपलिंग हाइपोथिस आती है एक आती है हमारे पास कीमी ऑसमोटिक हाइपोथिस आती है अगर हम सबसे पहले केमिकल कॉपलिंग हाइपोथिस की बात करें तो ये हाइपोथिस जो है एडवर्ड्स लेटर ने नाइनटीन uh, में दिया था और ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा या रेस्परेटरी चेन के द्वारा तो फिर इस इस जब इस, इस, इसी के दौरान जो है कुछ हाईली फॉस्फोरलाइटेड एनर्जी रिच इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं जो कि बाद में ए बनाने में मदद करते हैं यहाँ पर सीधा यही बोला गया यानी कि ये जो हाइपोथिस इसके हिसाब से यहाँ पर यह बोला गया है कि जो रिएक्शन है ये जो है सबस्ट्रेड लेवल फॉस्टोल की तरह ही होता है जो कि ग्लैकुलिस डिसीज़ या सर्जरी के साइकिल में हमें देखने को मिलता है उसी की तरह ये होता है और यहाँ पे जो हाईली हाईली हाई एनर्जी इंटरमीडिएट जो बन बन गया है उसी से फोसपेट बनाने में मदद मिलती है यानी कि हमारा एटीपी बनाने में मद, मदद मिलती है तो लेकिन इस हाइपोथेसिस का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिला एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ नहीं मिला है दैट्स वाई ये जो है अभी इतना ज़्यादा माना नहीं जाता है अगर हम देखेंगे दूसरे हाइपोथेसिस की बात करें जिसको कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस बोलते हैं या कीमी ऑस्पोटिक थ्योरी बोलते हैं और ये थ्यूरी दिया गया है पीटर मिचिल ने नाइनटीन टीचर पीटर मिचल ने नाइनटीन में अगर हम देखेंगे ये जो है थ्योरी जो है ऑक्सीडेटिव फॉसफर रिलेशन को समझाता है और इसके लिए इन्हें जो है नाइनटीन में नोबल प्राइज़ मिला था ये, ये समझाता है कि जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू तो अदर कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन उसको ए, उस एनर्जी को जहाँ उससे जो हमारे पास जो ग्रेडियंट बन रही है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके यहाँ पे जो है ए टी पी बनने में मदद मिलती है ये थ्योरी ये बताता है अगर हम देखेंगे इस थ्योरी की तीन बेसिक प्रिंसिपल है इसमें ये है कहते हैं कि फर्स्ट में जो है जो प्रोटोन होता है वो जो है पम्प किया जाता है थ्रू विद हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स के मदद से फिर इसके बाद जो है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बन जाती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाती है जिसको हम प्रोटोन ग्रेडियंट भी बोलते हैं और थर्ड में यह क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है जो इंटर मेम्बरन स्पेस में वो जो है दोबारा जो है माइट्रोकॉन्ड्रेल मेट्रिक्स में आने की कोशिश करता है क्योंकि हर जगह जो है यहाँ बिम परमिबल होती है तो फिर यहाँ पर जो है ये कंप्लेक्स फिफ्थ के मदद से जिसको ए एस भी बोलते हैं उसके थ्रू ही यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वापस आने की कोशिश करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रेल मेट्रिक्स में सो अगर हम देखेंगे आ, पंपिंग की प्रोटोन का थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो फिर क्या होता है आ, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो फिर उसी के साथ साथ जो है ट्रांसलोकेशन होता था एक एक प्रोटीन का एच पॉजिटिव आयरन का फ्रॉम दिस इनर माइटोकॉन्ज्रेल मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ज्रेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ये पास ऑन हो रहा था फ्राम मेट्रिक जो इनर माइटोकॉन्ज्रल मेट्रिक्स थे उससे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जो है ये जो है एक हाइड्रोजन आइटम जो है एक प्रोटीन जो है ये रिलीज हो रहा था या ट्रांसफ़र हो रहा था तो जिसकी वजह से जो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जो है एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा था या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा था तो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है इसमें जो है पूरा जो है पॉजिटिव आयंस जो बढ़ चुके हैं क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे थे उसके साथ साथ कपल होकर यहाँ पर जो है इनर माइट्रोकोन्ज्रल मेट्रिक जो है एक हाइड्रोजन आयन जो है बाहर रिलीज हो रहा था ठीक तो फिर अगर हम देखेंगे जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं हमारा एन ऑक्सीजन को जब एन से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू ऑक्सीजन तो फिर उसके साथ साथ जो है दस हाइड्रोजन एटम या दस पॉजिटिव आयन जो है रिलीज किया जाता है इनटू टू दिस इंटरमेम्बरेनस स्पेस यहाँ वाले स्पेस में दस हाइड्रोजन एटम रिलीज किए जाते हैं और ये रिलीज करते हैं कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स थ्री जो है आ, वो दोनों जो है चार चार प्रोटोन्स रिलीज करते हैं और अगर अगर हम कॉम्प्लेक्स फोर की बात करें तो फिर ये दो प्रोटोन बाहर रिलीज़ करते हैं इं टू दिस इंटरमेम्बरेनर स्पेस जिसकी वजह से जो है इन टोटल जो है टेन प्रोटोन जो है पम आउट किए जाते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेंबरेना स्पेस तो यहाँ तो फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जब ये हाइड्रोजन एटम जो है ये दोबारा माइट्रोकॉन्ड्रल मेट, मैट्रिक्स पे वापस आना चाहते हैं तो फिर ये जो है सिर्फ एटीपीएस के द्वारा ही आते हैं यानी कि इसे एफ नोट एफ वन ए के द्वारा ही आते हैं तो फिर जब यहाँ से चार हाइड्रोजन एटम अंदर आ जाती हैं तो तब हमारे पास एक ए टी बनती है तो फिर उस रेशो के हिसाब से हमारा जो एक एन है इन टोटल टू पॉइंट हमारे पास रिलीज़ करवाता है ऑन द अदर रेन अगर हम एफ की बात करें तो फिर जो है वन पॉइंट ही जनरेट कराता है सो ए टी जनरेशन की अगर हम बात करें तो फिर पहले और एक वैल्यू था अभी और एक वैल्यू एक्सेप्ट किया जाता है जिसके हिसाब से एक एन जो है तीन एटीपी जनरेट करता था लेकिन अभी के हिसाब से टू पॉइंट फाइव ए जनरेट करता है पहले के हिसाब से एफ जो है वो दो एटीपी जनरेट कराता था, था यहाँ पर अभी के हिसाब से वन पॉइंट जनरेट कराता है पहले के पहले के हिसाब से जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता था तो फिर थर्टी एट मॉलिकल ऑफ़ ए टी पी जनरेट होते थे लेकिन अभी के हिसाब से थर्टी ही जनरेट होते हैं एक स्टाइल को इंजामी जब कैटबलाइज होता था तो फिर यहाँ पे टूए एटीपी बनते थे अभी यहाँ पे जा आके टेन ही एटीपी बनते है। फर्दर हैं फर्दर अगर हम पेलमिटाइट की बात करें तो फिर पहले वन ट्वेंटी नाइन ए बनते थे अभी वन वन जीरो सिक्स ए ही बनते हैं अभी के अभी के हिसाब से जो हम अभी देख रहे थे कि एक एन ए डी एच जो है वो टू पॉइंट फाइव और एक एफ ए डी एस जो है वन पॉइंट फाइव ए ही जनरेट कर पाते थे सो so, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेस्पिरेटरी चेन में जब एन ए डी एस या एफ ए डी एस जो हमने इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर रहे थे और रेस्पिरेटरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर किए जा रहे थे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स वन कम्पलेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर तो फिर जिसकी वजह से जो है प्रोटोन को पम्प आउट किया जाता था फ्रॉम हाइटोकॉजल मेट्रिक्स टू इंटरमेबरेना स्पेस तो इसकी वजह से जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन एस पॉजिटिव आयन बन जाती थी इंटर मेम्रेन स्पेस में या जिसको हम प्रोटोन ग्रेडियंट बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट बोलते हैं ये बन जाती थी और ये जो हाइड्रोजन जो है आयन जो है पॉजिटिव आयन जो है फिर से फ्लो बैक करना चाहता है माइट्रोकॉन्ज्रेट्रिक्स में तो ये जो है इमपर्म्यूबल इंप, होती है मेम्बर तो फिर यहाँ पर जो है सिर्फ जो है ए टी के द्वारा ही उस वाले स्पेस से ये वापस आ पाते हैं तो फिर यहाँ पे जो है जिसकी वजह से जब यहाँ पे ये वापस आ रही होती है तो फिर यहाँ पे एटीपी जनरेट होने लगते हैं so, सो अगर हम रोटेटरी मॉडल की बात करें कि जिसकी मदद से हमारा एटीपी जनरेट होता है प्रपोज किया था था पॉल बोयर ने 1964 में जिसके लिए उन्हें भी मिला मिला था। अगर हम आ, जो आई एक्टिविटी की बात करें या कॉम्प्लेक्स फाइव की बात करें इसके दो पार्ट होते हैं एक एफ, होते, एक एफ, होते, एक एफ होते जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा एफ नोट एफ वन बोलते हैं जो ऊपर वाला फेस है उसको बोलते हैं एफ और इसको नीचे वाला जो फेस है नीचे वाला मीन जो मेम्ब्रेन के बीच में है ट्रांस ट्रांस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो

जब आ, जब वो आ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जो है माइट्रोकोन्डल मेम्ब्रेन में माइट्रोकोन्डल मैट्रिक्स में वो दोबारा वापस आना चाह रही थी तो फिर इसकी मदद से जो है, आ, ए, -टी जो है ए टी पी एस जो है यहाँ पे ए टी पी जनरेट करता है फ्रॉम यहाँ यानी कि ए टी पी पे जो है फोर्सफोरिलेट करके वो ए टी पी बना देती है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर ये जो है इसका एक स्पेरिकल पोर्शन होता है जो कि माइट्रोकोन्जल मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा इसके मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं एक होता है एफ वन यूनिट जिसको एफ वन ए टी पी एस भी बोलते हैं ये जो है हैफेयर शेप में होता है है और ये जो है मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा इस शेप में आपको देखने को मिलेगा ठीक फर्दर अगर हम एफ नोट की बात करें तो फिर ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अगर ये है तो फिर यहां पे जो है एफ नोट जो है इसमें आपको देखने को मिला गया जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें आपको जो है एफ नोट फेज जो है आपको देखने को मिलता है सो अगर हम एटीपी टीपी की बात करें जिसको इस ये एफ ये जो है ये आपका जो है एफ वन हो गया और ये आपका एफ नोट हो गया एफ नोट हो गया सो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है एफ नोट एफ वन ए टी पी एस और इसके अगर हम स्टाक की बात करें एफ नोट और एफ वन के बीच में तो फिर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आपको देखने को मिलते हैं सो अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें ए टी पी एंथेज की तो फिर सबसे पहले अगर हम एफ वन फेज की बात करें तो फिर एफ वन रीजन की बात करें तो फिर ये जो है पाँच डिफरेंट पोली पेप्टाइट्स बनी हुई होती है एक आल्फा होता है एक बीटा होता है एक गामा होता है एक डेल्टा होता है एक एफ्सनोल होता है ये जो है पाँच जो है पोली जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के यहाँ पर जो है एफ वन रीजन बनाती है फर्दर अगर हम एफ नोट रीजन की बात करें या एफ नोट यूनिट की बात करें तो फिर ये जो है एबीसी पॉलीपेप्टाइड की मदद से बनती है और ये जो है एक प्रो, ये जो है एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये जो प्रोटोन है ये जो है इन माइटोकांड्रिया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से जो है माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में दोबारा आ सके फर्दर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके जो है एटीपी सिंथेस करने में, में मदद करती है लेकिन जो एफ वन कम्पोनेंट है वही जो है उसके पास ही ए टी पी सिस करने की जो है एक्टिविटी होती है यानी कि ए टी पी एस एक्टिविटी होती है जिसकी मदद से वो जो है ए टी पी बना सकता है सो so, अगर हम ए टी पी की बात करें तो फिर दो टू पॉइंट फाइव ए टी पी हमारे पास जनरेट होता है एक एन ए डी एस से और अगर हम वन पॉइंट फाइव ए टी पी की बात करें ये जनरेट होता है एक एफ ए डी एस से जब वो इलेक्ट्रॉन हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा रही थी सो so, तो अगर हम देखेंगे कि जो एफ है उससे जो है रेस्परेटरी चेन के द्वारा जो है एन से कम ए क्यों जनरेट होती है सो so, अगर हम देखेंगे एन की बात करेंगे तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर के पास जाते हैं हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स फोर और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है इंडिपेंडेंट है वो अलग अलग है एफ कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है एफ के लिए और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है एन के लिए ठीक तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि एफ के लिए जो है हमारे पास जो है तीन दो ही हाइड्रोजन पम्प है आपको देखने कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर ही है क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है हाइड्रोजन को पम आउट करने में मदद नहीं करता ये सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में मदद करता है सो so, अगर हम ए की बात करें तो फिर एफ ई डी इस वजह से जो है इस वजह से जो है सिर्फ जो है दो वन पॉइंट ही जनरेट होती है और एन से जो है ज्यादा ए जनरेट हो जाती है सो so, अगर हम रेगुलेशन की बात करें इस एटीपी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरे की बात करें तो फिर जब ए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो फिर ये जो है रेगुलेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल करता है फर्दर अगर हम जब ए लेवल जो है कम होती है और ए लेवल हाई होती है तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फ्रेशन जो है वो ज्यादा रेट में आपको ये थ्रो प्रोसेस जो है, है देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी कंट्रोल या एक्सेप्टर कंट्रोल भी बोला जाता है फर्दर अगर हम मेकेनिज़म देखेंगे तो फिर जब ए की लेवल ए टी का लेवल जो है हाई होगा और ए टी पी का लेवल लो होगा तो फिर उस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑकर नहीं होगा यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से एन ए डी एच से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा एफ ए डी एच भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो फिर ये दोनों जो है ब्यूटअप हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएंगे सो जो है साइट्रेट भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि क्योंकि ये जो है ये जो एफ ए डी एच है एन ए डी एच है जब ये सीट्रिक एसिड साइकिल को भी रोक देता है तो फिर वहाँ पर जो है हमारे पास साइट्रेट भी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये जो है सैट्रिक साइकिल एस वेल एज ग्लाइकोलिसिस दोनों को इनहिबिट कर देते हैं जब ए ज्यादा हो जाती है ठीक फर्दर अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो फिर जब ए डी पी हाई होती है तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन जो है ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर जो, जो है एन ए टी एस एफ ए डी एस की कंजम्पशन उससे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा ट्रांसफर किया जाता है लेकिन अगर हम देखेंगे जब ए डी पी लो होगी तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिपी लो मतलब ए टी पी जो है यहाँ पर ज़्यादा है ए टी पी इस वाले केस में जो है ज़्यादा है तो फिर जब ए टी पी ज़्यादा होती है तो फिर इसमें जो है ऑक्सीडेटिव फॉसफोरेशन जो है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाती है दिस सॉल्व फॉर ऑक्सीडेटिव For Thank you. Thanks a lot.